दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी में। तुलसी को छूकर चुपचाप तीन बार बोल दें ये दो शब्द, जो मांगोगे तुरंत इच्छा पूरी होगी। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में तुलसी पूजन का विशेष रूप से महत्व बताया गया है, क्योंकि तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में हर रोज़ तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता, गरीबी और दुर्भाग्य का वास नहीं होता और उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी जी का वास रहता है। साथ ही तुलसी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ देवी देवताओं का निवास होता है। साथ ही तुलसी उस घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देती है और घर में केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचय करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रोज तुलसी पूजा करने से धन संपदा, वैभव, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। वहीं पद्म पुराण की अगर बात करें तो पद्म पुराण के अनुसार जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर यानी त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। आपके घर में ग्रह क्लेश रहता हो या फिर घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है या पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं या फिर जीवन में किसी न किसी तरह कोई परेशानी आती रहती है, तो आज हम आपको एक खास मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि इस मंत्र का जाप आप तुलसी को छूकर तुलसी के पूजन के दौरान करते हैं तो मात्र कुछ ही दिनों के अंदर आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। साथ ही घर में खुशहाली का वातावरण भी बना रहेगा। घर में कभी दुख, दरिद्रता, गरीबी का वास नहीं होगा। तो आइए जानते हैं इस खास मंत्र के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मंत्र जाप के लिए रोज की भांति अपने इष्ट देव की पूजा पाठ जरूर करें। इसके बाद तुलसी के पास जाकर सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करें। इसके बाद तुलसी को शुद्ध जल अर्पित करें और आप चाहें तो गंगा जल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें सिंदूर और हल्दी चढ़ाएं। ये तुलसी का श्रृंगार होता है जो हर किसी को पसंद है। इसके बाद तुलसी के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करें और धूप अगरबत्ती जरूर करें। तुलसी के साथ परिक्रमा अवश्य करें। इसके बाद तुलसी के सामने बैठकर कम से कम 11 बार तुलसी की माला से एक खास मंत्र का जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्ते। एक बार फिर से सुन लीजिए, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्ते। इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। मंत्र जाप के बाद अपने सभी मनोकामनाएं तुलसी जी को छूकर बोल दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना सीधे भगवान तक पहुंचती है। जैसे कि आप जानते हैं कि तुलसी भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इसके अलावा भगवान विष्णु जी की आराधना ब्रह्मा भी करते हैं, साथ ही शिव जी भी करते हैं। यानी कि घूम फिरकर बात कहें तो त्रिदेवों की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस मंत्र के प्रभाव से खुद भगवान को आपकी इच्छा अवश्य पूरी करनी पड़ेगी, तो इसके लिए तो वो विवश हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखे जय माँ तुलसी।